नमस्कार, मैं सिन्हा भारद्वाज आज बनाने जा रही हूँ एक ऐसी स्वीट डिश जो खाने में बहुत ही डिलीशियस और बनाने में बहुत ही आसान है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं ये प्यारी सी स्वीट डिश। तो हमने लिया है 1 लीटर दूध, इसको गैस पर रख देते हैं और इसको बॉयल होने देते हैं। तो आप चाहें तो दूध की जगह मिल्क पाउडर से भी रबड़ी बना सकते हैं, मैं इसकी रबड़ी बनाऊंगी। अगर आप रबड़ी की वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो इसमें बॉईल आ चुका है, इसको चलाते रहेंगे, तो साइड से हटाते रहेंगे और चलाते रहेंगे। हमको ये थोड़ी गाढ़ी करनी है और रबड़ी से, जैसे घेवर में बनाते हैं उस रबड़ी से थोड़ी गाढ़ी रहने देंगे इसे। तो धीरे धीरे हमारा दूध काफ़ी थिक हो चुका है, मैं डाल रही हूँ इसमें 3 टीस्पून चीनी। तो इसको मिक्स कर देते हैं थोड़ी देर के लिए और इसको पकने देते हैं। तो देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की है। तो गैस को ऑफ कर देते हैं, ये ठंडा होकर और भी थिक हो जाएगा। तो मैंने 4 इलायची को अच्छी तरह से कूट लिया है, तो इसको हम मिक्स कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं और किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम चलते हैं स्वीट डिश के दूसरे स्टेप की तरफ। तो मैं एक बर्तन में डाल रही हूँ 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी। तो इसकी हम शुगर सिरप तैयार करेंगे। तो हमारी चाशनी 5 से 6 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। हमको चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए, चाशनी बिना तार की चाहिए। तो मैंने गैस पर इसको चढ़ा दिया है और चीनी को मेल्ट होने देते हैं। तो धीरे धीरे चाशनी में बॉयल आने लगा है। तो हमको इस तरह की चाशनी चाहिए, उंगली से अंगूठा चिपक रहा है और तार नहीं बन रहा, तो हमको चाशनी इस तरह की चाहिए। तो थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें लेमन जूस, जिससे हमारी चाशनी क्रिस्टलाइज ना हो। तो इसको मिक्स कर देते हैं और गैस को ऑफ कर देते हैं और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो स्वीट डिश बनाने के लिए ये लिए हैं हमने रस्क, आप कोई भी कंपनी के ले सकते हैं, मैंने लिए हैं पार्ले कंपनी के। ये रबड़ी है जो अभी बनाई है, देख सकते हैं ये काफ़ी थिक हो गई है। ये लिया है मैंने कोकोनट पाउडर, ये है हमारा शुगर सिरप जो हमने अभी बनाया था और थोड़ा ठंडा हो गया है। मैं शुगर सिरप के अंदर डाल देती हूँ थोड़ी सी पिसी हुई इलायची। और शुगर सिरप हमको ना बहुत ज़्यादा गर्म चाहिए ना बहुत ज़्यादा ठंडा। तो मैं लूँगी रस्क, रस्क को आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको बीच में से कट करूँगी। तो मैंने इसको 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। इसी तरह से मैं जितने भी हमको रस्क चाहिए उनको कट कर लेती हूँ। तो हमने इनको कट कर लिया है। तो हम रस को चाशनी में डिप करेंगे और कोकोनट पाउडर से कोट करेंगे। तो अब देख सकते हैं मैं इसको किस तरह से डिप कर रही हूँ और किस तरह से कोट कर रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं रबड़ी लगाऊंगी, एक मैं इस तरह से बनाकर दिखा रही हूँ। तो मैंने इसके ऊपर रबड़ी लगा दी है और इसको प्लेट में रख देती हूँ। तो बाकी रस को इस तरह से बना लेते हैं। तो मैं इसको चेरी और पिस्ते से गार्निश करूंगी। तो देख सकते हैं कितनी जल्दी से ये फटाफट बहुत ही डिलीशियस स्वीट डिश बनकर तैयार है। आप इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा, तो आप कहेंगे कि हम इसको बार बार बनाएं। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को टिक कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।